साथ साथ आप लोगों को कराची की याद दे दिन के कराची कैसे उतरने का मकान है आप लोगों के मैं नॉर्थ की मुश्किल जो कुछ सबसे पहले आप लोगों को सब लोगों को ईद मिलाद नबी सल्लम बहुत मुबारक जिससे आज नमाज़ पढ़िए और उसकी नमाज़ कबूल करें आमीन। अच्छा ना आज की एडवर्ट पर आते हैं कराची कैसे उतरने का मकान है 12वीं रविवार के दिन कराची में जाते तो मकान पर मौसम खुश करेगा। कराची में अभी फिलहाल बारिश के इम्कान नहीं, कराची में एक हफ्ते में सर्द हवाएं पहुँच जाएंगी। कराची में बताया जा रहा है कि जो मगरबी हवाएं होती है वो बारिश बता रही है, शुमारी हवाएं जो होती हैं लेकिन वो आगे लालीना फैक्टर को ताकतवर करती है। कराची में दिसंबर जनवरी और फरवरी में हल्की बखाई मामूली गरज चमक के तूफान बनेंगे जिससे हल्की बारिश होगी और अगर लालीना फैक्टर को शुमारी हवा को जो ज़्यादा हुआ तो तूफानी बारिश भी हो सकती है, लालीना फैक्टर आप लोग ताकतवर हो जाएगा। ओके और अभी हमारे पास अपडेट आ रही है सर्दियों का आगाज इस्लामाबाद में आगे 18 घंटों में होगा क्योंकि इस वक्त क्या कह रहे हैं आजकल धूम हो चुका है सर्दियों का आगाज खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इलाकों में सर्दियों का आगाज हो गया है और क्या पंजाब के भी इस्लामाबाद में भी कहते अभी इस्लामाबाद में नहीं हुआ लेकिन मरी में भी सर्दियों का आगाज हो गया है खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इलाकों में हो गया। आप लोगों को अपडेट देते जा रहे हैं कि कराची में एक हफ्ते बाद जो सर्दी हवाएं आएंगी जिससे सर्दियों का आगाज़ भी हो जाएगा कराची में और क्या कहते हैं कराची में अभी फिलहाल तो बारिश नहीं है और गर्मी की लहर की भाई हमारे से हमारे पास कोई अपडेट्स नहीं है फिलहाल हमारे पास इतनी अपडेट आ रही है कराची में अभी बारिश तो नहीं है अगर सर्दियाँ आएँगी कराची में और इसको आप देखें थोड़ी सी खुनकी हो जाती है। आप लोग ये सोचते होंगे कराची में बर्फ़बारी क्यों नहीं होती, स्नोफॉल भी होनी चाहिए ना कराची में। उसमें मसला ये है कि कराची एक शहर है क्योंकि वहाँ जहाँ पर बर्फ़बारी होती है वहाँ पर माउंटेन्स होते हैं जिससे माउंटेन्स से बर्फ़बारी वहाँ पर होती है और कराची तो एक मामूली से शहर है इसलिए वहाँ पर कभी बर्फ़बारी नहीं होती। एक दफ़ा शायद हुई थी कहते वो भी बड़ी अधिकी हुई थी, लाहौर में भी वैसे बर्फ़बारी नहीं होती लेकिन लाहौर में एक रात काफ़ी इतनी तेज़ बर्फ़बारी हुई कि पूरी सड़कों पर बर्फ़ फैल गई। आप लोगों को अपडेट देते चल रही कि अभी हमारे पास फिलहाल इतना ही अपडेट आ रही है कि कराची में ये हमारे पास अपडेट कराची की आवाज़ से आ रही है कि कराची में इस वक्त अभी कोई गरज चमक का तूफान इसकी कोई इतला तो नहीं हमारे पास। फिलहाल अभी इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़। अगली वीडियो आपको मजीद अपडेट देंगे फिर उसी शिल्पा से वीडियो लाइव को अगर टाइम हुआ मिला तो मैं आप लोगों को कंप्यूटर में लाइव करके दिखा दूँगा। इजाज़त दीजिए अल्लाह।